पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाली भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को धमकाने के मामले में भीमसेना चीफ के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ हिंसा का आह्वान करने और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सतपाल तंवर ने बीते दिनों ऐलान किया था कि जो भी नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने गुरुवार को नवाब सतपाल तंवर को गुरुग्राम स्थित आवास से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त में आई है जब गुरुग्राम पुलिस ने तंवर के खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, उकसाने, जानबूझकर अपमान करने और आपराधिक धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी यूथ विंग की अध्यक्ष सर्वप्रिया त्यागी ने सतपाल तंवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। साइबर सेल के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने वीडियो को संज्ञान में लिया जिसमें उन्हें जानलेवा धमकी वाले बयान देते हुए सुना जा सकता है और वह वीडियो के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश करते दिखते हैं। हमने सतपाल तंवर को गुरुग्राम से अरेस्ट किया है। उन पर IPC की धारा 506, 509 और 153A के तहत मामला दर्ज किया गया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।